वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी विटामिन ई टोनर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 5 टीस्पून रोज वाटर। रोज वाटर में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं, जो हमारे एक्ने प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में मदद करता है। और इसमें विटामिन सी बी के होते हैं, जो हमारे स्किन टोन को ग्लोइंग और फ्लॉलेस करने में मदद करता है। फिर इसमें 1 टीस्पून हनी ऐड कीजिए। अगर आपके ड्राई स्किन है तो इसमें 2 टीस्पून हनी ऐड कीजिए। अगर आपके ऑयली स्किन है तो इसमें 1/2 टीस्पून हनी ऐड कीजिए। और अगर आपके नॉर्मल स्किन है तो इसमें 1 टीस्पून हनी ऐड कीजिए। फिर इसमें 2 विटामिन ई कैप्सूल ऐड कीजिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसमें 1 विटामिन ई कैप्सूल ऐड कीजिए। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसमें 3 विटामिन ई कैप्सूल ऐड कीजिए। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो इसमें 2 विटामिन ई कैप्सूल ऐड कीजिए। विटामिन ई कैप्सूल स्किन के हाइपर पिगमेंटेशन, ब्राउन स्पॉट और एक्ने स्कार्स को रिड्यूस करने में मदद करता है और हमारे स्किन को नरिश करता है। और विटामिन ई ऑयल न्यू स्किन सेल्स को रीजेनरेट करने में मदद करता है और साथ ही साथ हमारे स्किन इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हनी हमारे स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और मॉइस्चराइज करने में मदद करता है। फिर इसमें 1/2 बोल पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसको एक खाली बोतल में भर लेंगे। अब हम इस टोनर को 7 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके यूज कर सकते हैं। पहले इसको ऐसे शेक कर लीजिए। फिर इस टोनर को अपने क्लीन फेस पे एक कॉटन बॉल के मदद से ऐसे अप्लाई कीजिए। ये टोनर हमारे स्किन को नरिश करता है और हमारे स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ करता है। और ये टोनर हमारे स्किन इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है और हमारे स्किन टोन को ग्लोइंग और फ्लॉलेस करने में मदद करता है। दिन में 2 बार फेस वॉश के बाद इस टोनर को जरूर यूज करना और रिजल्ट मुझे कमेंट में बताना। इस टोनर को यूज करने के बाद मुझे मेरे स्किन बहुत सॉफ्ट और स्मूथ लग रही है, इसीलिए मुझे ये टोनर बहुत ही अच्छा लगा। तो ये रहा आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ओके, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय।